हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। रिलायंस जियो का 4G फीचर फ़ोन, कहने को तो ये एक 4G फीचर फ़ोन है, लेकिन दोस्तों इस फ़ोन में आपको बहुत सारे ऐसे जो है फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपको एक स्मार्टफोन में मिलते हैं। बहुत ज़रूरी जो ऐप्स हैं वो सभी ऐप्स फ़िलहाल रिलायंस जियो 4G फीचर फ़ोन के लिए आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों आज रिलायंस जियो 4G फीचर फ़ोन के लिए एक बहुत ही नए और बहुत ही अहम ऐप का अपडेट आया है, जो कि काफ़ी यूज़फुल ऐप है और आपकी डेली लाइफ में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो आज के मैं आपको यही बताने वाला हूं कि फिलहाल रिलायंस जियो फोन में कौन से नए ऐप का अपडेट आया है और इस ऐप को आपको कैसे यूज करना है। सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ्री पेटीएम कैश अर्न करना चाहते हैं तो मैंने फोर फन ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिए, आपको डायरेक्ट 50 रुपीज का पेटीएम कैश वहां से मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि रिलायंस जियो का 4G फीचर फ़ोन काफ़ी पॉपुलर हो चुका है इंडिया के अंदर। बहुत सारे ऐप्स फिलहाल रिलायंस जियो की तरफ से इस फ़ोन के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वैसे मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि इस फ़ोन में आपको 512 MB की रैम मिलती है, तो आप वही ऐप इंस्टॉल करें जो आपके काम की हो। बेफालतू के ऐप इस फ़ोन में आप इंस्टॉल ना करें, वो ऐप्स आपके इस फ़ोन को जो है धीमा कर देते हैं, यानी कि आपके फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। तो चलिए हम यहाँ पर जियो के ऐप स्टोर पर आ गए हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज रिलायंस जियो 4G फीचर फ़ोन में कौन से नए ऐप का अपडेट आया है। अभी जियो हेल्थ ऐप का अपडेट आया था, लेकिन आज यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जियो फ़ोन के ऐप स्टोर पर एक और नया ऐप जो है यहाँ पर लिस्ट हो चुका है। फिलहाल हम जो है स्क्रॉल करते हुए नीचे आ रहे हैं, तो जैसे ही वो नया ऐप हमें यहाँ पर दिखता है, देखिए ये रहा हमारा नया ऐप जो कि है यहाँ पर ईमित्र ऐप। और जो ईमित्र ऐप है वो यहाँ पर जो राजस्थान के निवासी हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, जो भी यहाँ पर जो वो यहाँ पर बिल वगैरह पे करते हैं, बिजली बिल हुए या जो भी बिल हुए राजस्थान के, वो ईमित्र के ज़रिए ही पे किए जाते हैं। तो राजस्थान के जितने भी लोग फिलहाल जो है जियो 4G फीचर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऐप है ये ई मित्र ऐप। आप लोग देखेंगे हमारे फ़ोन में यहाँ पर आ चुका है ई मित्र ऐप, तो फिलहाल आपके फ़ोन में भी ऐसे आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में आप इसे जो है ओपन कर लेंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पर जो है ओपन कर लिया है और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको जो है इस ई मित्र ऐप का दिखाई देगा। यहाँ पर आप जो है अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और बिना अकाउंट क्रिएट किए हुए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे ई मित्र ऊपर लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान नीचे लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर पे बिल विदाउट लॉगिन, यानी कि आप अपने जो डेली के बिल्स हैं वो बिना लॉगिन किए हुए भी पे कर सकते हैं, या आप जो है यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं साइन अप पर जाकर। तो मैं यहाँ पर फिलहाल अकाउंट नहीं क्रिएट करने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर आप राजस्थान के हैं तो फिलहाल आप जो है अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है। तो आप अपने मोबाइल बिल यहाँ पर पे कर सकते हैं, BSNL के जो बिल है वो पे कर सकते हैं, बिजली बिल यहाँ पर पे कर सकते हैं, IPTV वाले बिल यहाँ पर आप पे कर सकते हैं, और भी बहुत सारे जो राजस्थान की सर्विसेज हैं, जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, उनके लिए जो भी आपको पेमेंट करनी है वो सारी पेमेंट आप इस ऐप के जरिए कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान के हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ई मित्र जो है कितना यूज़फुल है राजस्थान के। तो जितने भी लोग फिलहाल यहाँ पर राजस्थान के हैं और वो फीचर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ऐप बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अब उन्हें ई मित्र वाली शॉप पर नहीं जाना पड़ेगा। तो काफ़ी यूज़फुल ऐप फिलहाल जो है जियो 4G फीचर फ़ोन में आ चुका है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अभी जियो ने जो है यहाँ पर जो है करीबन जो है ये स्मार्टफोन फ्री में भी दिया था राजस्थान के अंदर। जो भामाशाह कार्ड था उसकी सहायता से फ्री में ये फ़ोन बांटा गया था, तो इसलिए जो है राजस्थान के लिए यहाँ पर भामाशाह वाला ऐप भी आया था और अब ई मित्र वाला ऐप भी आ गया है। तो रिलायंस जियो जो है यहाँ पर उन लोगों के लिए काम कर रहा है जो सिर्फ एक फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं और उन्हें इस फ़ोन की ज़रूरत है, तो उनकी डेली लाइफ में ये काफ़ी यूज़फुल फ़ोन बनने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ ऐप यहाँ पर आया था आज रिलायंस जियो 4G फीचर फ़ोन में। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।